नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल नंबर 29 को हमने यहाँ पर 30 के नाम से सेव कर दिया। और 30 नंबर के इस एग्जांपल पर, अच्छा देखो, ये जो हमने करा था यहाँ पर एग्जांपल नंबर 29 में, कि जिस भी आइटम को आपने सेलेक्ट करा है वो आकर डिस्प्ले हो रहा है, तो इसी को हम एक और प्रोसेस से यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या करा कि ये जो अपना स्ट्रिंग नाम का एरे है एस, इसको सबसे पहले ग्लोबल बनाकर तैयार कर दिया। क्यों बनाया है अभी आपको यूज समझ आ जाएगा। और यहां पर एक मेथड है कॉम्बो बॉक्स के पास, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो जो भी इंडेक्स सिलेक्ट होगा वो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, यहां पर रिटर्न कर देगा। और जो अपना ग्लोबल अरे हमने बनाकर तैयार किया उसका नाम क्या चल रहा है, एस। तो देखो, जो भी यहां पर आइटम सिलेक्ट होगा उसका इंडेक्स आ गया 0 1 2, तो हमने क्या कर दिया, एस ऑफ एक्स पास कर दिया। तो जो भी यहां पर इंडेक्स आएगा उसकी वैल्यू ले जाकर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया यहां पर टेक्स्ट फील्ड पर। तो एग्जाम्पल नंबर 30 को हमने यहां पर कंपाइल करा और रन कर दिया, ठीक है। और अभी इस कंडीशन पर बिल्कुल प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो इतना कंसेप्ट सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से जो भी हमने यहां पर एडिट किया हुआ है प्रॉपर वे में नोट करिएगा सभी। जी, तो ये जो स्ट्रिंग एस है, एरे है, इसको क्या कर दिया हमने, ग्लोबली बना कर तैयार कर दिया क्लास के अंदर। कुछ ये कोड तो अपना सेम ही, अब जो नीचे हमने चेंज किया हुआ है अपनी मेथड के अंदर एक्शन परफॉर्म, कुछ ये बस इतना काफी है। जी,